नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए अधिकारी का नहीं होगा बदलाव। बेटी रोहिणी ने पोस्ट की लालू की ताजा तस्वीरें। अक्षरा सिंह और सोनू सूद की खास मुलाकात। विश्वविद्यालयों में अनुदान से वेतन तक पर लगी रोक। टीम इंडिया को लेकर रवि शास्त्री ने की बड़ी भविष्यवाणी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मोकामा उपचुनाव में बनेंगे 279 मतदान केंद्र। बिहार में आगामी दिनों में 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसी कड़ी में अब चुनाव आयोग की तरफ से मोकामा विधानसभा सीट को लेकर एक नई जानकारी साझा की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार मोकामा विधानसभा उपचुनाव में 279 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें कुल 41 ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। वहीं बाकी के बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 के अंदर ही है। इसके अलावा कुल 4279 बुजुर्ग मतदाताओं की पहचान की गई है। बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 281,248 बताई गई है। वहीं यहां चुनाव को लेकर पदाधिकारियों और कर्मियों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां चपरासी थे वही बने सहायक प्रोफेसर। बिहार के भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के एक युवक ने मिसाल कायम की है। TMBU के अंबेडकर विचार विभाग में चपरासी और देर रात पहरेदारी का काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। बता दें कि 42 वर्षीय कमल किशोर मंडल को 23 साल की उम्र में 2003 में मुंगेर के RDNDJ कॉलेज में नाइट गार्ड के रूप में नौकरी मिली थी। तब वह राजनीति विज्ञान से स्नातक थे। ड्यूटी में शामिल होने के एक महीने बाद तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार और सामाजिक कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। 2008 में उनका पद बदल कर चपरासी कर दिया गया, जिसके बाद 2020 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने TMBU में संबंधित विभाग में सहायक प्रोफेसर के 4 पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन निकाला था, जिसके बाद उन्हें सहायक प्रोफेसर की नौकरी मिली। रेलवे के निजीकरण का विरोध। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलकर्मी लामबंद हो गए हैं। पूरे देश में जहां आंदोलन की लौ तेज हो गई है, इसे लेकर कर्मचारियों ने बीते दिन बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक भूख हड़ताल किया। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा किया गया था। बता दें कि भारतीय रेलवे ने सभी 16 जून से न्यू पेंशन स्कीम हटाने और पुराने पेंशन स्कीम लागू करने सहित कुल 16 मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। यूनियन की मुख्य मांगों में नई पेंशन स्कीम बदल कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने, भारतीय रेल का निजीकरण और निगमीकरण बंद करने, सभी कैटेगरियों को समावेश करते हुए GDCI की अधिसूचना शीघ्र जारी करने, रेलवे के सभी विभागों में सीधी भर्ती करने, RRB के 10% पदों को सभी विभागों के लिए LDG ओपन टू कॉल करके भराने आदि शामिल हैं। रिश्वत लेते पकड़े गए अंचलाधिकारी। प्रदेश में लगातार घुसखोर अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां एक अंचलाधिकारी को रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानाबाद जिले के काको अंचल में तैनात अंचलाधिकारी दिनेश प्रसाद को निगरानी की टीम ने 1,00,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अंचलाधिकारी दिनेश प्रसाद जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के नीचली रोड स्थित पल्लनजी मॉल के पास किराए के मकान में रहते थे, जहां से निगरानी की टीम ने उन्हें धर दबोचा है। बताया जाता है कि जमीन के म्यूटेशन कराने के नाम पर 1,00,000 मांगे गए थे, जिस पर परिवादी राहुल कुमार के द्वारा निगरानी को सूचना दिया गया था, जिसके आधार पर उन्हें 1,00,000 नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए अधिकारी का नहीं होगा बदलाव। दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार कैडर से जिन अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनका नाम किसी हालत में बदला नहीं जाएगा। किसी परिस्थिति में इन अधिकारियों का नाम चुनाव ड्यूटी से हटाया नहीं जाएगा। इस मसले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली से बिहार को पत्र लिखा है। इस आधार पर इससे संबंधित निर्देश राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को जारी किया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी इस पत्र में कहा गया है कि पर्यवेक्षक बनाए गए कुछ अधिकारियों ने चुनाव कार्य से अपने को अलग करने से संबंधित अनुरोध पत्र समर्पित किया है। इन अधिकारियों ने यह अनुरोध पत्र बिना केंद्रीय कार्मिक विभाग को बताए सीधे निर्वाचन आयोग को भेज दिया है, जो नियमानुसार गलत है। इन 10 अधिकारियों के वेतन में हुई वृद्धि। SDO के पद पर तैनात 10 अफसरों के वेतन में वृद्धि की गई है। ये सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी हैं। जिन अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है, उनमें बिहार शरीफ के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुराग, पटना सदर के SDO नवीन कुमार, मोतिहारी के SDO सौरभ सुमन यादव, बांका के SDO सुश्री प्रति, बगहा के SDO दीपक कुमार मिश्रा, दरभंगा के स्पर्श गुप्ता, डेहरी ऑन सोन के SDO समीर
सौरभ, महानार के एसडीओ सुमित कुमार, दानापुर के एसडीओ विक्रम वीरकर और मुंगेर की एसडीओ खुशबू गुप्ता शामिल है। बिहार के शहरों में कब निकलेगा चांद? बिहार समेत देश भर में गुरुवार को यानी कि आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन राजधानी पटना में चंद्रोदय का समय रात्रि 7:44 है। व्रती 7:44 चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके साथ ही बिहार के अन्य जिले जैसे मुजफ्फरपुर में 7:42, गया में 7:46, भागलपुर में 7:37, पूर्णिया में 7:34, आरा में 7:47, मोतिहारी में 7:42, बेतिया में 7:44, गोपालगंज में 7:45, किशनगंज में 7:36, दरभंगा और समस्तीपुर में 7:39, वहीं हाजीपुर और बिहार शरीफ में 7:43 पर चांद बाहर निकलेंगे। अक्षरा सिंह और सोनू सूद की खास मुलाकात। भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद से मुलाकात की है। अक्षरा सिंह ने खुद इन तस्वीरों को फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर भी किया है। तस्वीरों के साथ अक्षरा सिंह ने लिखा है, ईश्वर के बंदे से मुलाकात। अक्षरा सिंह की शेयर की गई इन तस्वीरों पर खूब कमेंट्स आ रहे हैं। खुद सोनू सूद ने भी इंस्टाग्राम पर कमेंट किया है। सोनू सूद ने अक्षरा सिंह को जवाब में लिखा है, खुशी हुई मेरे दोस्त। हालांकि अक्षरा सिंह ने यह नहीं बताया है कि क्या उनके साथ कोई फिल्म करने वाली है या फिर यह सामान्य मुलाकात है। बेटी रोहिणी ने पोस्ट की लालू की ताजा तस्वीरें। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं। अपने इलाज के सिलसिले में वहां गए लालू अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास रह रहे हैं। वहां देश व बिहार की राजनीति की कसम कस से दूर उनके फुर्सत के पलों की कुछ तस्वीरें सामने आई है। बता दें कि बेटी रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की कुछ तस्वीरें ट्वीट की है। इसके साथ अपने भावुक मैसेज में वे कहती है कि वे लोग बड़े नसीब वाले होते हैं जो पिता का प्यार और माँ का दुलार पा सकते हैं। सिंगापुर में बेटी रोहिणी के घर में आराम करते हुए लालू की बैठी हुई एक तस्वीर में वे तनाव से दूर प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। घर के अंदर की एक अन्य तस्वीर में वे रोहिणी व उनके बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं, तो उनकी एक अन्य तस्वीर रोहिणी के साथ है। विश्वविद्यालयों में अनुदान से वेतन तक पर लगी रोक। 3 नए विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र, पूर्णिया और मुंगेर विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष किसी ने भी राज्य सरकार को अभी तक 2500 करोड़ रुपए से अधिक की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं। ये प्रमाण पत्र वेतन से लेकर दूसरे तमाम अनुदानों से संबंधित है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर संबंधित विश्वविद्यालयों को चेतावनी जारी कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग के अफसर अगले सप्ताह से विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन की छानबीन करेंगे। इसके बाद भी अगर विश्वविद्यालयों ने राशि के उपयोग की जानकारी नहीं दी तो विभाग अनुदान रोकने से लेकर लापरवाह अफसरों की सैलरी तक रोक सकता है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालयों पर वर्ष 2002-2018-2019 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, जिसकी निगरानी हाईकोर्ट कर रही है। तेज प्रताप यादव ने मुलायम सिंह की तस्वीर को लेकर की अपील। आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन के सभी घटक दलों से अपने अपने पार्टी ऑफिस में मुलायम सिंह की तस्वीर लगाने की अपील की है। इस बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया है। तेज प्रताप यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, महागठबंधन के सभी साथियों से अनुरोध है कि वे अपने पार्टी कार्यालय में समाजवादी नेता धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर लगाए। बता दें कि मुलायम सिंह यादव बीते सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वे बीते मंगलवार को पंचतंत्र में विलीन हो गए। बीजेपी का नीतीश पर हमला। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार ने देश के गृह मंत्री पर अपना निशाना साधा था, जिसके बाद इसके जवाब में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा है कि अच्छा है कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाकर आश्रम खोलने का निर्णय कर लिया है, वरना जिस तरह की बातें वह कह रहे हैं उससे बिहार का भगवान भी मालिक नहीं कर पाएगा। इसके आगे उन्होंने नीतीश कुमार पर फिल्मी अंदाज में तंज कसते हुए मुन्ना भाई करार दिया है। जायसवाल ने लिखा है कि नीतीश जी अब नाराजगी के लिए नहीं बल्कि दया के पात्र हो चुके हैं। मुझे उन पर मुन्ना भाई सिनेमा का डायलॉग भी याद आता है, गेट विल सून भाई। भाजपा की पोल खोलने के लिए धरने पर बैठी जदयू। बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित हो चुके हैं। भाजपा चुनाव स्थगित होने के लिए नीतीश कुमार की नीतियों को जिम्मेदार मानती है। वहीं जदयू का कहना है कि भाजपा के लोग नहीं चाहते थे कि निकाय चुनाव हो, इसलिए आज जदयू ने भाजपा के इसी आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि चुनाव रोकने के कारण भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच है। वह नहीं चाहती थी कि चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, इसलिए उनके लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर
तक चुनाव रोकने की साजिश रची। गांधी मैदान में भाजपा की साजिश की पोल खोल के लिए बैठे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 2006 में ही पंचायत और 2007 में नगर निकायों में पिछड़े और अति पिछड़ा के लिए चुनाव में आरक्षण के लिए नीतीश कुमार ने व्यवस्था कर दी थी। टीम इंडिया को लेकर रवि शास्त्री ने की बड़ी भविष्यवाणी। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने के 15 साल के लंबे सूखे को खत्म करने मिशन मेलबर्न के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि मैं पिछले साल 6-7 साल से सिस्टम का हिस्सा रहा हूं। पहले बतौर कोच था और अब मैं बाहर से देख रहा हूं और मुझे लगता है कि यह T20 क्रिकेट की सबसे अच्छी भारतीय टीम है। सूर्या नंबर 4 पर है, 5 पर हार्दिक पांड्या है, जबकि 6 और 7 पर दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत है, जो कि टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। इसके कारण टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज खुलकर खेल सकते हैं। पूरे बिहार में आज तेल के दाम। बिहार के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। इसमें भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, नवादा, हाजीपुर और बेतिया समेत अन्य शहर भी शामिल हैं। वहीं मुजफ्फरपुर और गया में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। बता दें कि पटना, आरा, बक्सर, जहानाबाद, जमुई, भभुआ, लखीसराय, मधुबनी, शेखपुरा, शिवहर और सीतामढ़ी में तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 7 पैसे और डीजल 6 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। राजधानी पटना में गुरुवार को पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.36 रुपए में बिक रहा है। हालांकि भागलपुर में पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे और डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद रफी, तिलई, रंजीत मिश्रा, कुलदीप कुमार, विद्यासागर यादव, कलामुद्दीन अंसारी, चंदन कुमार, भान प्रकाश मौर्य, सबा जफर, बाबूलाल मरांडी, राबिया वास्त्री, सरिता पासवान, प्रेम शंकर राज, मोहम्मद गुलशेर, अजीत कुमार यादव, मनोज कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार की सबसे फेमस एक्ट्रेस यानी कि फिल्मी कलाकार कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।